हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे हॉस्पिटल के बारे में। हॉस्पिटल किसी भी इमरजेंसी केस में इलाज करने से मना नहीं कर सकता। गलत इलाज पर उसे 1 करोड़ का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। हमारे देश के संविधान में हर एक नागरिक को जीने का अधिकार दिया गया है। जीने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बेहद ज़रूरी है। हर व्यक्ति की कोशिश होती है कि वो और उसका परिवार सेहतमंद रहे, लेकिन कई बार अनचाहे उन्हें बीमारियां घेर लेती हैं। बीमारी होते ही जो रोगी व्यक्ति होता है, उसके परिवार वाले अस्पताल के चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन में उन्हें कई बार अलग-अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसका कारण है मरीजों को अस्पताल में मिलने वाले अधिकारों की कम जानकारी होना। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीजों के अस्पताल से रिलेटेड क्या अधिकार दिए गए हैं, जानेंगे। शुरू से आखिर तक जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ। पहला अधिकार आता है, इमरजेंसी में मरीज को अस्पताल इलाज करने से मना नहीं कर सकता। कोई भी अस्पताल, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर सरकारी, पेशेंट को तत्काल यानी कि इमरजेंसी इलाज देने से मना नहीं कर सकता। इमरजेंसी में पेशेंट से प्रारंभिक इलाज के लिए अस्पताल तुरंत पैसे नहीं मांग सकता। किसी भी हॉस्पिटल में पेशेंट जब इलाज के लिए पैसे देता है, तो उसी वक्त वो कंज्यूमर हो जाता है और किसी भी तरह की शिकायत वो कंज्यूमर कोर्ट में कर सकता है। अगर किसी भी पेशेंट की दवाई या फिर इलाज को लेकर कोई शिकायत है, तो वो अस्पताल प्रशासन में शिकायत कर सकता है। ड्रग को लेकर लोकल फूड एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इनकी शिकायत भी की जा सकती है। दूसरा अधिकार आता है, खर्च की जानकारी लेना। मरीज का ये अधिकार है कि इलाज से जुड़ी सभी जानकारी उसे दी जाए। उसे ये जानने का अधिकार है कि उसे क्या बीमारी है और ये कब तक ठीक हो जाने की उम्मीद है। साथ ही इलाज करवाने में कितना खर्च आएगा, इसकी जानकारी पाने का भी उसे पूरा अधिकार है। तीसरा अधिकार आता है, मेडिकल रिपोर्ट्स लेने का अधिकार। किसी भी मरीज या फिर उसके परिवार वालों को ये अधिकार है कि वो हॉस्पिटल में मरीज की बीमारी से जुड़े डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं। इन रिकॉर्ड्स में डायग्नोस्टिक टेस्ट, डॉक्टर या फिर स्पेशलिस्ट की राय, हॉस्पिटल में भर्ती होने के कारण आदि शामिल हो सकते हैं। चौथा राइट है, सर्जरी से पहले डॉक्टर को मंजूरी लेनी होगी। पेशेंट की किसी भी तरह की सर्जरी करने से पहले डॉक्टर को उससे या फिर उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति से मंजूरी लेना जरूरी होगा। साथ ही डॉक्टर की ये भी ड्यूटी है कि वो मरीज को किए जाने वाले सर्जरी के बारे में पहले से आगाह कर दे। पांचवा राइट आता है, हॉस्पिटल नहीं बताएगा कि दवा कहाँ से लेनी है। कई बार मरीज और उसके परिवार वालों की शिकायत होती है कि हॉस्पिटल उन्हें दवा की पर्ची देते वक्त कहता है कि दवा अस्पताल की दुकान से ही लेनी है। नियम के मुताबिक ऐसा करने का अधिकार हॉस्पिटल को नहीं है। वो मरीज का हक है कि वो दवा अपनी मर्जी की दुकान से खरीद सकता है और साथ ही टेस्ट भी अपनी मर्जी की जगह से ही करवा सकता है। छठा राइट आता है, जबरदस्ती मरीज को नहीं रखा जा सकता। कई बार बिल ना चुकाए जाने की वजह से हॉस्पिटल मरीज को डिस्चार्ज नहीं करता। बिल पूरा ना दिए जाने की सूरत में कई बार डेथ बॉडी तक उन्हें ले जाने नहीं दिया जाता। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे गैरकानूनी करार दिया है। किसी भी हॉस्पिटल को मरीज को जबरन रोकने का कोई अधिकार नहीं है। सातवां राइट आता है कि पेशेंट कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कर सकता है। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायतकर्ता एक सादे कागज पर पूरी शिकायत लिखकर दे सकता है। साथ ही वो कंपनसेशन की मांग भी कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट 20 लाख, स्टेट कंज्यूमर कोर्ट 1 करोड़ और नेशनल कंज्यूमर कोर्ट 1 करोड़ से ज़्यादा का कंपनसेशन के आदेश दे सकते हैं। वो आपके कंपनसेशन पर डिपेंड करता है कि आपको शिकायत कौन से कोर्ट में जाकर करनी होगी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो पेशेंट के अधिकारों के ऊपर। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।